इफ्तिखार ये रुशनास करवाने के लिए कि वेयर दिस आइडिया हैज कम फ्रॉम और कैसे आपने इसको कंसीव किया, क्योंकि आइडियाज मैं अगले दिनों पढ़ रही थी कि आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होते हैं, मगर उसको कंसीव करके उसको एग्जीक्यूट करना इज द रियल डिफिकल्ट थिंग. लेकिन माशाल्लाह यू हैव एग्जीक्यूटेड दिस. अच्छा, अब आप जो बात मुझे बता रहे हैं वो ये है, और ये भी बतानी है कि कॉफी प्लांट की कॉफी कैसी है. दैट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपको पता है ना कॉफी प्लैनेट में मेरी थोड़ी थोड़ी एसोसिएशन है, मोहब्बत है मुझे उससे, कॉफी प्लैनेट से, तो उसका नाम लेना जरूरी है. अच्छा मुझे ये बताइएगा इफ्तिखार, आपने कहा है कि ये ग्लोबली जो है इसमें वो लोग होंगे जो कि एआई बिल्ड करते हैं बेसिकली, जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं, ये वो सारे लोग जो है इसमें होंगे, तो फिर इसकी जुबान जो सिखाने की होगी क्या वो इंग्लिश होगी फिर, या उर्दू होगी, या क्या होगा फिर वो? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने, लिस्ट में नहीं था ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्या एआई एजुकेशन के लिए रेडी है या नहीं है. अगेन अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बैरियर स्टिल लैंग्वेज है. तो वी हैव केटर्ड दैट. वी आर रिकॉर्डिंग द कोर्सेज फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया इन उर्दू एंड हिंदी. अच्छा, वाओ. और इसका एक ग्लोबल वर्जन है जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश में है. अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर करवा रहे हैं. और फिर चूंकि ये एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, तो अगर एआई की यूनिवर्सिटी में ही एआई इस्तेमाल ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो जेनेरिक इट वुड बी इन इंग्लिश, बट इट वुड बी ट्रांसलेटेड इन एवरी डायलेक्ट, इवन नॉट इन लैंग्वेज, इन डिफरेंट डायलेक्ट. इट विल बी ट्रांसलेटेड इन पंजाबी, इट विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी, इट विल बी ट्रांसलेटेड इन even in Sindhi. Wow, you would see whatever would be the capability. We are working on that. So it will be ideally a global platform ke jahan pe language would not be a barrier. Yani jaise aap abhi, ye to bahut hi wonderful hai, because ऐसे हम बात करते करते भी अक्सर इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल कर लेते, तो अक्सर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है इस बात के ऊपर कि हमें आधी बातें समझ आती हैं और आधी बातें जो हम मिस कर जाते हैं. उसके लिए माजरा चाहते हैं, क्योंकि ट्यून अप इस तरह से हुए होते हैं कि मिक्स हो जाता है, माजरा चाहते हैं उसके लिए. ये हमारी गलती है और हमें इससे सीखना चाहिए कि हमारे सुनने वाले लोग जो हैं उनको क्या चीज समझ आती है ज्यादा. अच्छा, और जैसे आपने खुद भी बताया इफ्तिखार कि जैसे आपके प्रोफेसर जो होते थे, श्योरली वो तो क्योंकि वो ग्लोबली थे और वहां पे इंग्लिश ज्यादा बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, तो आपने तो सब कुछ इंग्लिश में ही कंसीव किया होगा. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी और बलोची जो हमारी जुबानी है उनको जरूर कंसिडर करें. एंड दिस इज मार्वेलस, एक्चुअली आपने दिल खुश कर दिया ये बता के हर जुबान में होगा.